पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने सोशल मीडिया पर दिया बेतुका बयान। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए क्या कुछ कहा चिंतामणि ने। बस देख, जो आज दीपावली को लेकर आपने जो फेसबुक पे बात की, क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से आप दीपावली त्यौहार मनाएंगे? देखिए, दीपावली तो जैसे हर साल बचपन से मनाते आए वैसे ही मनाएंगे और उसमें कोई कारण नहीं। कुछ आपने बताया है कि 10 बजे बाद में पूजन। हाँ, मैंने अपनी असहमति और थोड़ा सा एक जो मुझे नागवार लगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई हम त्यौहार के दिन बहुत मस्ती में होते हैं, बहुत अपने प्रसन्नता में होते हैं, उल्लास में होते हैं, और उस उल्लास पर मैं अपनी समय की बाध्यता नहीं रख सकता कि मुझे 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ना है, ये करना है। ये हमारा ऑफिस का काम नहीं और ना ही किसी और का भी काम है। ये धार्मिक विषय है, ये हमारे अपने विषय है। सर्वोच्च न्यायालय गाइडलाइन है कि प्रदूषण हो रहा है और जहां आप कह रहे हैं कि 10 बजे बाद फटाके आप एप्लीकेशन ले जाएंगे, वो उस पर दूसरा वर्डिक्ट आ जाएगा। तो वो तो उस पर निर्भर करता है कि कौन रिक्वेस्ट करने गया है। तो इस तरह देश में एक परंपरा है कि कम्युनिस्ट और धर्म विरोधी। और आप देखिए कि सबरीमाला में तो जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिनको दर्शन करने नहीं जाना, वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो पीएम मोदी के नेता संवैधानिक बात करते तो वहीं कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा बेतुका बयान चिंतामणि ने आखिर क्यों दिया। एसपीएन न्यूज ग्रुप की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।